नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल में बैठकर एनडीए की नई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि लालू एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों को फोन कर मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। इस पर राजद ने भी पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सुशील मोदी को भाव नहीं दे रही, इसलिए वे लालू का नाम लेकर पैठ बनाना चाहते हैं। बता दें कि इस वक्त एनडीए गठबंधन के पास 125 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं। बिहार में 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार एनडीए की नई सरकार में बदलाव देखने को मिला है। 2005 से बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी को भाजपा ने पद से हटाकर उनके जगह तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया है। सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार की रात ट्वीट कर कहा कि लालू यादव रांची से एनडीए के विधायकों को फोन कर रहे हैं और उन्हें मंत्री पद देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि जब मैंने फोन किया तो लालू यादव ने फोन उठाया। इसके बाद मैंने कहा कि जेल से ये गंदी हरकत ना करें, आप सफल नहीं होंगे। इसके बाद सुशील मोदी के इन आरोपों पर राजद ने भी पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने ट्वीट कर कहा, भाजपा भाव नहीं दे रही है, इसलिए लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर भाजपा में पैठ बनाना चाहते हैं, ताकि राजनीति की वैतरणी पार लग सके। अफवाह मियां के भंडूलपन से बिहार और पार्टियां अवगत है। गौरतलब है कि भाजपा पहले भी विपक्षी महागठबंधन पर सरकार गिराने की कोशिशों के आरोप लगा चुकी है। खुद राजद के नेताओं ने चुनावी नतीजों के बाद वीआईपी और हम जैसी पार्टियों पर डोरे डाले थे। दरअसल हम और वीआईपी के पास चार चार सीटें हैं। ऐसे में ये दोनों ही पार्टियां एनडीए के लिए सत्ता की चाबी जैसी हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक समय था जब ये दोनों पार्टियां राजद के साथ गठबंधन में रही थी। सुशील मोदी हमेशा ही राजद और लालू परिवार को निशाने पर लेते रहे हैं। आपको बता दें कि 2015 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी थी और राजद सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, तब सुशील मोदी ने लालू परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई खुलासे किए थे। कहा जाता है कि महागठबंधन की सरकार गिराने में सुशील मोदी का बहुत बड़ा योगदान था। सरकार गिरने के बाद नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी और सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनी है और एक बार फिर नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं और उनके जगह भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनी है। सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि मुझसे कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता है। बहरहाल सुशील मोदी ने जो दावा किया है कि लालू यादव एनडीए विधायकों को फोन कर मंत्री पद का लालच दे रहे हैं, उनके इस दावे के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राजद ने भी सुशील मोदी के ट्वीट के बाद पलटवार किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।